दोस्तों एक ऐसा इंसान जिसके पास इतना पैसा था कि उसको पैसे रखने की भी जगह नहीं थी। वो दोस्तों वो अपने पैसे जमीन में खड्डे खुदवा कर उसमें रखता था। और दोस्तों ऐसा भी है कि उनके जो पैसे रखे हुए थे उसमें से 10-20% तो पैसे सिर्फ चूहे कुतर जाते थे या फिर वो पैसे पानी के कारण सड़ जाते थे। और ये बात आज से 40 साल पहले की है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पाब्लो एस्कोबार की। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया का गॉडफादर यानी कि दुनिया का सबसे अमीर गैंगस्टर पाब्लो एस्कोबार की कहानी बताने वाला हूँ। दोस्तों हर बार दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकलती है लेकिन इस लिस्ट में एक नाम कभी जुड़ नहीं पाया और वो नाम है पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार 90s के दौर में कोकीन ड्रग्स दुनिया में कई क्राइम्स का बादशाह हुआ करता था। पाब्लो एस्कोबार के ड्रग्स स्मगलिंग की नेटवर्क ने उसको हद से ज्यादा अमीर बना दिया था और इसकी वजह से उसके कारण कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। और बात करें साल 1992 में पाब्लो एस्कोबार $30 बिलियन का मालिक था। ब्रुनाई के सुल्तान के बाद पाब्लो एस्कोबार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान था। अगर आज पाब्लो एस्कोबार जिंदा होता तो उसके $30 बिलियन $58 बिलियन के बराबर होते और पाब्लो दुनिया का 8वां अमीर इंसान होता। पाब्लो एस्कोबार का ड्रग सप्लायर का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि 90% अमेरिका को कोकेन सिर्फ पाब्लो एस्कोबार ही पूरा करता था। इस खतरनाक सप्लायर नेटवर्क को बहामास के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड बन गया था हेडक्वार्टर ऑफ पाब्लो एस्कोबार। और वहां पर एक एयरपोर्ट भी बनाया गया था जहां कोकीन से भरे हवाई जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने लैंड करते और उनमें से कोकीन को निकालकर छोटे एयरजेट्स में भरकर अमेरिका में रवाना किया जाता था। और ये चीजें हर रोज हर दिन 5-6 बार होती थी। अमेरिका में रोजाना 15,000 kg कोकीन बेचा जाता था और सालाना 540,000 kg कोकीन सिर्फ अमेरिका में बेचा जाता था। और उस समय अमेरिका में 1 kg कोकीन की कीमत थी $17,000 यानी कि सिर्फ 1 kg कोकीन की कीमत 5 लाख से भी ज्यादा। यानी हर साल पाब्लो एस्कोबार 378 बिलियन का सिर्फ ड्रग सप्लाई करता था। यानी हर साल 3,000 करोड़ से भी ज्यादा सिर्फ ड्रग सप्लाई करके कमाता था और ये 16 साल तक ऐसे ही चलता रहा। और इसमें एस्कोबार को काफी मार्जिन मिलता था तो वो पायलट को सिर्फ एक फ्लाइट का $5 लाख यानी $40 लाख सिर्फ पायलट को देता था। और सब निकालने के बाद पाब्लो के पास दिन का $60 मिलियन सिर्फ एक दिन के मिलते थे जो साल के $22 बिलियन होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि पाब्लो एस्कोबार जो है वो इन सभी पैसों को हार्ड कैश में रखता था और उसके पास दोस्तों इतने पैसे थे कि वो हर महीने के 3 लाख के रबर बैंड खरीदता था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाब्लो एस्कोबार के पास कितने पैसे थे। तो दोस्तों प्रश्न इस बात का होता है कि पाब्लो एस्कोबार इन सभी पैसों का करता क्या था और रखता कहाँ था। तो आपको बता दें कि पाब्लो एस्कोबार का जो हेडक्वार्टर था वहां पर बड़े बड़े गोदाम होते थे। उसी गोदामों में ड्रम्स के अंदर इस पैसों को भरकर छुपा दिए जाते थे। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो भी पैसे थे उनमें से 10-20% तो पैसे चूहे कुतर जाते थे या फिर पानी की वजह से वो पैसे सड़ जाते थे। और दोस्तों कई बार तो ये भी बात सामने आई है कि पाब्लो एस्कोबार हर दिन पैसों को गिन नहीं पाता था तो दोस्तों वो पैसों की गड्डी बनाकर वजन से पैसों का कैलकुलेशन करता था। दोस्तों पाब्लो की एक मैं बात बताऊं कि वो पुलिस से छिपने के लिए अपने परिवार के साथ किसी पहाड़ों में छुप गया था। तब उस वक्त उसकी बच्ची को ज्यादा ठंड लग रही थी और दोस्तों उसकी बच्ची को सर्दी लग गई थी। तब पाब्लो के पास कुछ जलाने के लिए कुछ नहीं था। तब पाब्लो ने तभी $2 बिलियन निकाले और अपनी बच्ची के लिए जला दिए क्योंकि वो पैसे जलाकर जो गर्मी थी वो उसकी बच्ची को मिले। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाब्लो के पास कितने पैसे थे। और दोस्तों ये चीज काफी दिन तक नहीं चली और कहते हैं ना कि बुराई करने से खुद के साथ बुरा ही होता है। वैसे ही 1993 में पाब्लो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। पाब्लो एस्कोबार के किस्से आज तक दुनिया में मिसाल बनकर रह गए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।